दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आर्थिक रसोई। आर्थिक रसोई में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आ गई हूँ न्यू रेसिपी के साथ, और न्यू रेसिपी है जीरो आयल ब्रेकफास्ट। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, और जो डाइटिंग पर होंगे वो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, इसके लिए मैं 2 कटोरी पानी ले ली हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च क्रश किया वो ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक ले ली हूँ, और 2 कटोरी पानी में 1 कटोरी मैं सूजी डाली हूँ। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं 3 लोगों के बना रही हूँ, आप जितने फैमिली हो उस मुताबिक बनाइएगा। ये मेरा 7 बनकर तैयार हुआ था, तो 3 लोगों के लिए अच्छे से हो गया था। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पूरा पानी सुखा लीजिएगा, और जब थोड़ा सा हार्ड हो जाए, मतलब इसका सारा पानी सूख जाए, तो इसको गैस बंद कर दीजिएगा और ढक्कन से इसको 5 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिएगा। और ये बिल्कुल ही आटा जैसे गूंथते हैं ना, उस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैं, देखिए मेरा हो गया था, मैं गैस ऑफ कर दी हूँ और इसको ढककर मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। और उसी पर मैं गैस आलू बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। आप इसमें स्टफिंग में जो भरना चाहे भर सकते हैं। मैं यहाँ पर आलू का भरता बनाकर, चोखा बनाकर भरूंगी इसमें, और मैं सब्जी डालूंगी। तो मैं इसके लिए प्याज कटिंग कर ले रही हूँ। मेरा आलू बॉयल हो रहा है, टमाटर का जो बीच वाला जो पार्ट होता है, बीज वाला और जो जूसी जैसा जो रस होता है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि वो ना जब आलू में जाएगा ना तो आलू को ना वो गीला गीला कर देता है। तो फिर जो स्टफिंग भरेंगे ना तो फिर भरने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं उसका जो रस था और बीज था मैं वो निकाल दी थी। और छोटे छोटे क्यूब्स में मैं इसको भी कटिंग कर ले रही हूँ। और तब तक देखिए, ये जो सूजी था वो ठंडा हो गया था हल्का, तो पानी लेकर इसको अच्छे से गूंथ लीजिएगा। ये बहुत अच्छा आटा जैसा हो जाता है। और सूजी ना मोटा वाला नहीं लेना है, बिल्कुल बारीक वाला लेना। अगर मोटा वाला होगा तो मिक्सी में डालकर उसको पीस लीजिएगा। और देखिए बहुत अच्छा सा डो बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पर मेरा आलू भी बॉईल हो गया था, तो मैं आलू को चलिए निकाल लेती हूँ और इसमें मैं क्या क्या डालूंगा आप लोग देखिएगा। देखिए आलू निकालने का ये टेक्निक ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसे ना कलछुल में जो निकालते हैं तो कलछुल से ना पानी भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो फिर गीला गीला हो जाता है चोखा। तो इसलिए मैं चाकू से निकालती हूँ, चाकू से सही रहता है, पानी नहीं आता है। और जो मैं छिलका पन्नी में रख रही हूँ, क्योंकि मैं इससे मैं बताऊंगी मैं क्या करती हूँ, इसे मैं खाद बनाती हूँ। मैं एक दिन दिखाऊंगी वो भी कि मैं कैसे इसे खाद बनाती हूँ। मैं छिलका को फेंकती नहीं, जो सब्जी से छिलका होता है मैं नहीं फेंकती हूँ उसको। और जो रोटी वगैरह होता है खाना थोड़ा बच जाता है तो मैं बाहर गाय को या डॉगी को मैं दे देती हूँ, और जो सब्जी का छिलका होता है मैं उसको स्टोर रखती हूँ एक घर के पीछे में। मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी एक दिन। देखिए मैं आलू को मैश कर ली हूँ मैशर से, और मैं थोड़ा आलू निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे अपने बेटे के लिए आलू पराठा बनाना है, क्योंकि मेरा बेटा डेली आलू पराठा मांगता है और आलू पूड़ी बोलता है। तो देखिए इसे मैं कसूरी मेथी, थोड़ा चाट मसाला और नमक, धनिया पत्ता, हरा मिर्च और टमाटर डालकर और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। देखिए मिक्स हो गया, और देखिए चोखा जो है ना बिल्कुल मतलब गीला गीला नहीं है, ये भरने में बहुत सही रहेगा। गीला गीला हो जाएगा ना तो भरने में ना मतलब बहुत दिक्कत होता है, नहीं भराता है, कभी इधर से फटेगा कभी उधर से फटेगा, तो दिक्कत होता है। तो देखिए मैं इसमें स्टफिंग भर ली हूँ, और आपको जैसा शेप छोटा छोटा शेप बनाना होगा तो छोटा छोटा बनाइएगा। तो मैं तो बॉयल जैसा बड़ा बड़ा थोड़ा बनाई थी। ये फ्राई करने में भी, अगर फ्राई करना चाहेंगे तो फ्राई करने में भी ईजी रहेगा। तो मैं सारे बॉल्स बनाकर ऐसे ही तैयार करूंगी। इसमें टोटल 7 बॉल्स बने थे ऐसे, और हम 3 लोगों के लिए बहुत अच्छे तरह से हो गया था। मेरा बेटा तो नहीं खाया था, बस हम लोग 3 लोग खाए थे, मैं बेटी, मैं, मेरे हस्बैंड। और देखिए यहाँ पर मैं कढ़ाई में नींबू डालकर गर्म होने के लिए पानी को रख रही हूँ, स्टीम होने के लिए। उसमें मैं कटोरा डाल दी हूँ, क्योंकि मेरे पास नीचे से स्टैंड नहीं था, उसके ऊपर चलनी रख दी हूँ। और ये पानी देखिए खोल गया, तब इसमें जो बॉल्स बना के रखे थे वो मैं रख दूंगी, और इसको 10 मिनट तक मीडियम गैस पर इसको 10 मिनट तक इसको स्टीम करना है। जब चाकू डाल के देखिएगा, जब चाकू मतलब चिपकेगा नहीं तो समझिए कि ये हो गया। ऐसे भी ये बॉयल किया हुआ सूजी है तो पका ही हुआ है, ज़्यादा इसको बॉयल करने जरूरी नहीं है। जो इसमें स्टफिंग है वो भी बॉयल किया हुआ है, तो इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस 7 मिनट 8 मिनट में हो जाता है। और देखिए ये बॉयल हो गया, बहुत हेल्दी नाश्ता है। आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ देखिए खा सकते हैं, जो डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए, जो डाइटिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए। सॉरी मेरा बेटा आ गया था, डिस्टर्ब कर रहा था। देखिए मैं यहाँ पर कढ़ाई गरम कर ले रही हूँ, जो चटपटा खाना चाहते हैं उनके लिए मैं कर रही हूँ, हम तो चटपटा ही खाए थे। सॉरी मेरा बेटा बार बार परेशान कर रहा है, बहुत सब्र कर रही हूँ। तो देखिए मैं उसमें सरसों और जीरा का तड़का लगा दी हूँ, और ऊपर से मैं पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला डाली हूँ। अगर आप चाहें तो आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जिसको जो पसंद होगा डालकर उसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिएगा। ज़्यादा इसमें तेल नहीं लगता है, बस 2 छोटा चम्मच लगा था। धनिया पत्ती देखिए डालकर मैं गार्निशिंग कर दी हूँ। मैं तो ऐसे ही खाई थी, जो मुझे ओला दोनों अच्छा लग रहा था।